अरब ममालिक से किस किस्म का रोल देखते हैं? पीछे भी आपका रोल अच्छा रहा है, उनके साथ दोस्ती वोस्ती है अरब ममालिक से? असल में हम लोग तो अरब को अच्छे तरीके से देखते हैं। अरब के जितने भी मनुष्य हैं वो उनको हम बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन प्रसारण का जो मसला है वो वहाँ पे है कि वो मुझे जो है ठीक तरीके से नहीं दे सकते, बड़े बड़े कद वाले होते हैं ना। ओ हाँ हाँ, तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, एक दफा मैं दुबई गया, वहाँ पे शेख मन्नान बिन हयान बिन हयान बिन मन्नान बिन मन्नान बिन हयान, उनसे मेरी मीटिंग हो रही थी। काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है लेकिन है उनका आधा नाम लिया। अच्छा, तो जैसे मेरी उनसे मेरी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा मीटिंग मीटिंग तो होती रहेगी, आप जो है चूंकि आप इंडिया से हैं और वहां पे तो मतलब इंडिया का कल्चर और ये वो, तो क्यों ना आप हमारी डांसर्स नहीं आई हुई, व्हाई डोंट यू जॉइन अस, उन्होंने कहा मुझसे। डांस किया मैं? हाँ, मैंने डांस किया वहां पे। वो यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है। तो वो क्या मेरी तरह सारे इंसान को ही डांसर समझते हैं? नहीं, सबको नहीं समझते, मुझे और चिदम्बरम को जो है वो डांसर समझते हैं और हम लोग कभी भी भूखे नहीं मर सकते। और तुम अगर मेरे मूव देखोगे ना, ये वाले जो भी मैं नहीं लाए, ये वाले काफी अच्छा नाचते हैं, काफी टफ टाइम देंगे आप कैटरीना को। हाँ, नहीं नहीं, आप इस वजह से भूखे नहीं मर सकते कि आपको डांस आता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, भूखा मैं इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि मैंने मैदा निकलवाया हुआ है। जी मनमोहन सिंह साहब, आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जीतने के बाद किसी पहले टीवी चैनल पर तशरीफ लाया और आके हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे कि आइंदा हमारा सत्य में इंटरव्यू खत्म कर रहे हो जी। तो ठीक है, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ उसके लिए। आपको पूरा हिंदुस्तान गाता ही तो रहता है। हम इंडियंस की वही मैं रिवायत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये तेरा दिल है, ये मेरा दिल है, चाहे वो किसी का बूथ हो या कोई किसी की स्टार्टअप हो।